नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। दोस्तों, ओप्पो ने अभी फिलहाल लॉन्च किया है अपना रियलमी वन स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को देता है। और यहाँ पर एक कमी है कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को जो फेस अनलॉक वाला फीचर है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और जो फेस अनलॉक वाला फीचर है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। देखिए आप, तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर जो है फेस अनलॉक फीचर काम करता है, यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, आपका फोन यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कि क्या जो फेस अनलॉक फीचर दिया गया है ओप्पो के रियलमी वन स्मार्टफोन में वो कितना यहाँ पर सिक्योर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ओप्पो का रियलमी वन स्मार्टफोन जो फेस अनलॉक फीचर है इसका, वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। फ़ोन का डिज़ाइन लुक काफ़ी अच्छा मुझे लगा। एक कमी थी कि यहाँ पर अगर फिंगरप्रिंट सेंसर भी होता तो काफ़ी अच्छा ये रहता, लेकिन यहाँ पर आपको जो है फेस अनलॉक वाला फीचर प्रोवाइड किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे थे कि बताइए जो फेस अनलॉक फीचर है वो किस तरह से यहाँ पर काम करता है, कितना टाइम लेता है और कितना ये सिक्योर है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नॉर्मली चेक करने जा रहा हूँ कि फेस अनलॉक फीचर किस तरह से काम करेगा। तो फिलहाल जो है ये मेरा फ़ोन देखिए आप देख सकते हैं जो है लॉक है, और अभी फिलहाल देखिए मैंने कोई भी यहाँ पर बटन नहीं दबाया है, तो जो मेरा फेस था वो यहाँ पर फ़ोन को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इसलिए फ़ोन यहाँ पर ऑन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरफ लाता हूँ फ़ोन को तो देखिए अभी फ़िलहाल जो हमारा फ़ोन है वो नो फेस डिटेक्टेड, तो अभी यहाँ पर हमारा फेस डिटेक्ट नहीं किया है। तो दोबारा से हम ये बटन प्रेस करते हैं और फिर इस बार अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, आप देखना। तो अब हम ये बटन प्रेस करेंगे और हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया है। तो काफ़ी अच्छी तरह से जो फेस अनलॉक वाला फीचर है यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब हम इतना यहाँ से ट्राई करते हैं, इतना साइड से देखिए, फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से अनलॉक नहीं हो रहा। तो इतना ये मतलब इतना जो है अगर आप तिरछा भी रखेंगे फ़ोन को तो भी अनलॉक हो जा रहा है, यानी कि फेस अनलॉक फीचर है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। अगर अब मैं यहाँ पर ट्राई करूँ, अपने चेहरे को नीचे से एक हाथ से ढककर ऐसे ट्राई करो और फिर देखो कि फेस अनलॉक फीचर किस तरह से काम करता है। तो अनलॉक हो रहा है, अगर आप यहां तक अपना फेस ढकेंगे तो भी ये अनलॉक कर रहा है फोन को। अगर ऊपर से हम यहां पर देखिए फिर ट्राई करते हैं, तो यहां से भी ये अनलॉक कर रहा है, यानी कि फेस अनलॉक फीचर जो है ये शायद तो आंखों की वजह से या आपके नोज की वजह से जो है काम कर रहा है, पता नहीं कौन सा जो है यहाँ से फीचर इसमें ऐड किया गया। अब हम ट्राई करते हैं, जो हेलमेट है मेरे पास तो मैं इस हेलमेट को यहाँ पर ट्राई करता हूँ और फिर देखता हूँ कि फेस अनलॉक जो है किस तरह से यहाँ पर काम करता है। तो फिलहाल देखिए तो ये अनलॉक हो रहा है, तो आप देखेंगे तो अनलॉक हो रहा है, यानी कि जो फेस अनलॉक फीचर है वो आपका हेलमेट में भी काम कर रहा है। अगर हम हेलमेट का जो ये ग्लास है इसको कवर कर ले और आप कोशिश करें तो भैया अब अनलॉक नहीं होगा, आपका फोन नहीं हो रहा है। और यहां पर मुझे पता लगा है कि अगर आप जो अपनी आई हैं उनको क्लोज कर लें तो भी आपका जो फोन है वो अनलॉक हो रहा है। तो इस बार हम जो है आईज क्लोज करेंगे, फिर देखेंगे कि फेस अनलॉक फीचर किस तरह से यहां पर काम करता है। तो भैया फेस अनलॉक फीचर अगर आपकी आंखें बंद है तो भी यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि जो फेस अनलॉक फीचर रियलमी वन में दिया गया है वो काफी जो है तेजी से काम करता है, लेकिन वो इतना सुरक्षित नहीं है, यानी कि वो सिक्योर नहीं है। क्योंकि अगर आप सो रहे हैं और आपका फोन किसी और के हाथ में लग जाए तो वो उसे आपके फेस की तरफ दिखाकर अनलॉक कर सकता है, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं तो भी ये फोन जो है यानी कि इसका जो फेस अनलॉक फीचर है वो काम कर रहा है। तो ये मुझे यार इसमें काफी बड़ी कमी लगी है, क्योंकि पता नहीं आपके फोन में क्या कौन सा डाटा हो और आप उसे दूसरे लोगों को दिखाना ना चाहें, तो आपके घर में कोई भी ऐसा जो आपके फोन को लेता हो तो वो सारी चीजें आपके फोन में जो भी है जो आप दूसरों के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो आपके फेस की तरफ दिखाकर आपके फोन को अनलॉक करके सब कुछ आपके फोन में देख सकता है। तो देखते हैं कि इसे जो है नेक्स्ट अपडेट जो भी ओप्पो रियलमी वन की तरफ से आएगा उसमें इसे सुधारा जाता है या नहीं सुधारा जाता है। तो यहाँ पर फेस अनलॉक फीचर काम तो करता है लेकिन इतने स्कोर नहीं है,
तो ये काफी बड़ी कमी है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर होता तो वो शायद काफी अच्छी बात होती। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो फेस अनलॉक फीचर है वो यहाँ पर बंद आंखों पर भी काम कर रहा है ओप्पो रियल वी वन में? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।